स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। यहाँ से श्री कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत बातचीत शुरू होता है, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है दोनों सेनाओं के प्रधान प्रधान वीरों और संकट ध्वनियों का वर्णन तथा अपने सज्जन वध के पाप से भयभीत हुए अर्जुन का विषाद। तो दोस्तों, इसे पढ़कर अगर आपको कुछ ज्ञान देना है या कुछ बताना है तो आप कमेंट कीजिएगा, या फिर अगर कुछ पूछना है तो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं रिप्लाई दूंगा, या फिर कोई रिप्लाई देगा तो वो भी आप देखिएगा, क्योंकि आजकल वीडियो भी देखते हैं और कमेंट भी लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गीता के बारे में कुछ बता दूं। गीता का मतलब होता है भगवान का गाया हुआ गीत, भगवत का मतलब होता है भगवान, और गीत से गीता आया है, मतलब भगवान का बताया हुआ ज्ञान। गीता में कृष्ण ने दुनिया के तमाम रहस्यों पर से पर्दा उठाया है। कर्म क्या है, कर्म का फल से क्या ताल्लुक है, जन्म मरण का सिद्धांत क्या है, और भी बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। इसलिए आपको गीता में हर सवाल का जवाब मिलेगा। अर्जुन ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जो हर इंसान भगवान से पूछना चाहता है, इसलिए हर दुख का इलाज आपको गीता में मिलेगा, ठीक है। और जैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हर मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने आप को ठीक रखे, अपने आप को खुश रखे, अपने आप से प्यार करे। और अपने आप से प्यार करने या अपने आप को ठीक रखने का मतलब होता है मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर दोनों तरफ से। जिस तरह से शारीरिक तौर पर खुद को ठीक रखने के लिए अच्छा खुराक, योगा, एक्सरसाइज का ज़रूरत होता है ना, उसी प्रकार आप खुद को मानसिक तौर पर ठीक रखने के लिए अच्छा साइकोलॉजिकल किताब या अच्छा फिलोसफिकल किताब का ज़रूरत पड़ता है, और गीता इस मामले में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए गीता में हर समस्या का समाधान लिखा हुआ है, इसलिए गीता को सर्वश्रेष्ठ किताब कहा जाता है। तो शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? दोस्तों, भगवद गीता में इस चैप्टर को अर्जुन विषाद योग के नाम से लिखा गया है। तो उसके बाद संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टिदुम्य द्वारा बिहोकर खड़ी की हुई पांडु पुत्र की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद दृष्टिकेतु और चकितान तथा बलवान काशीराज पुरोजीत कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्र पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं, ठीक है, ये दुर्योधन कह रहे हैं। तो दोस्तों, एक बात और बता दूं, गीता प्रेस का गीता सबसे सटीक और सबसे बेस्ट गीता है, और जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि सबसे अच्छा मीनिंग वाला गीता है, ठीक है। तो आप भी पढ़ सकते हैं, डेली आप 10 से 20 मिनट गीता पढ़ेंगे तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा या आप हमेशा खुश रहेंगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनको भी बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार से शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना भी जीतने में सुगम है। तो दुर्योधन को थोड़ा डाउट है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित सेना तो अजय है ही, लेकिन भीम द्वारा रक्षित सेना भी जीतने में सुगम है। इसीलिए मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सबों से रक्षा करें। कौरवों में बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर
सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक, भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टिदुम्य तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्र पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। यहाँ पे और उस भयानक शब्द से आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के यानी आपके पक्ष वाले के हृदय वितीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उन शब्द चलने की तैयारी का समय धनुष उठाकर हर्षिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित में दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इन सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा। हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। कुछ लिखा हुआ है, चलिए वो भी पढ़ते हैं। कौरवों को देख, इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं प्राय सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्मीय सज्जन ही हैं, उनको तुम अच्छी तरह देख लो। भगवान के इसी संकेत ने अर्जुन के अंतकरण में छिपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। मानो अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी जिसमें उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और उसके फलस्वरूप साक्षात भगवान के मुखबिंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीतामृत की ऐसी परम मधुर धारा बह निकली जो अत्यंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के स्थित ताऊ चाचों को, दादो परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंतीपुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सज्जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सज्जन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है? हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अविष्ट है, यही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आततायु को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबी को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। तो दोस्तों, अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों मिलकर ही गीता बनते हैं, उनमें से एक को भी हटा दिया जाए तो गीता इनकम्प्लीट है। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए।
कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्री अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकट उत्पन्न होता है। वर्ण संकट कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक मतलब अर्जुन शोक कर रहे हैं। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से सज्जनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्युक्त मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण रहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है। भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादा के टूटने का डर, राज्य का कानून और शारीरिक और आर्थिक अनिष्ट की आशंका, इसमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं है। राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतया होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है वे उन्हें प्राय नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप में हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिनका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, वो समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़ों के समान यथेच्छाचारी हो जाता है। यथेच्छाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता, वो मनुष्य को उच्छृंखल बना देता है। जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उच्छलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर जो उपयुक्त पुष्पिका दी गई है, इसमें भगवद गीता का महत्व और प्रभाव भी प्रकट किया गया है। ओम तत्सत भगवान की पवित्र नाम है। स्वयं श्री भगवान के द्वारा गाई जाने के कारण इसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है। इसमें उपनिषदों का सारत्व संग्रहित है, और ये स्वयं भी उपनिषद है। इससे इसको उपनिषद कहा गया है। निर्गुण निराकार परमात्मा के परम तत्व का साक्षात्कार करने वाली होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। और जिस कर्मयोग का योग के नाम से वर्णन हुआ है, उस निष्काम भाव पूर्ण कर्मयोग का तत्व बतलाने वाली होने से इसका नाम योगशास्त्र है। यह साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और भक्तवर अर्जुन का संवाद है, और इसके प्रत्येक अध्याय में परमात्मा को प्राप्त करने वाले योग का वर्णन है। इसी से इसके लिए श्री कृष्ण संवादे योग का नाम कहा गया है। उसके बाद एक चित्र है, अरे श्री कृष्ण और अर्जुन का बातचीत। तो दोस्तों, ये थी गीता का पहला अध्याय। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। आप इनको पढ़िए, समझने का कोशिश कीजिए या कमेंट भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर भगवद गीता चैप्टर 2, इसके बारे में अगले वीडियो पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।